बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी की टीम ने तो डिटेन कर लिया और लगातार अभी पूछताछ चल रही है आर्यन खान से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इतना ज़्यादा सीक्रेट होने के बावजूद भी एनसीबी की टीम ने आखिरकार इनको पता कैसे लगा लिया, पकड़ कैसे लिया। तो पहली जो अपडेट आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था जहाँ पर इनका वो व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक हो गया, जहाँ पर इनके द्वारा कोड वर्ड में बात की गई थी, जहाँ पर बोला गया था कि RT-PCR जांच करवाया क्या, मतलब कि ड्रग्स को ले आया क्या, ड्रग्स को खरीद के ले आया क्या। ये जो है इनके कोड वर्ड में इनके द्वारा पहले ही प्री प्लान कर लिया गया था और वही जो है व्हाट्सएप पे इनके द्वारा बातचीत की जा रही थी। और इसकी जानकारी जब एनसीबी की टीम को लगा, एनसीबी की टीम ने शनिवार को दोपहर 1:30 बजे क्रूज शिप पर रेड मारी, जहाँ पर इन लोगों का पार्टी करने का पूरा प्लान था। मतलब कि ये 3 दिन का एक प्लानिंग थी कि पहले दिन कौन सी पार्टी होगी, दूसरे दिन ये पार्टी होगी और तीसरे दिन ये पार्टी होगी। लेकिन पहले ही दिन एनसीबी की टीम वहां पर पहुंच गई और एनसीबी की टीम ने इनको जो है वहां से डिटेन कर लिया। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी जो न्यूज आ रही है और साथ में ही कई जगहों पे सोशल मीडिया पे लगातार लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि शाहरुख खान के बेटे को फंसाया जा रहा है। मतलब कि सीधी सी बात है कि एनसीबी ने उस टाइम डिटेन किया जब उनको वहां पर पाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि शाहरुख खान के बेटे को फंसाया जा रहा है, वो भी ड्रग केस में। और इधर आपको बता दूं कि ये वही मामला हो गया जैसे कुछ टाइम आदित्य ठाकरे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि आदित्य ठाकरे की जो फोटोज कई जगहों से वायरल हुई थी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ड्रग की खरीद फरोख्त होती है, वहां से जो है आदित्य ठाकरे की फोटो वायरल हो गई थी। और उस टाइम भी यही मामला सामने आया था, लोगों द्वारा यही सवाल उठाया जा रहा था कि ये पूरा का पूरा मामला ये है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं है, आदित्य ठाकरे का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फायदा भी आदित्य ठाकरे के ऊपर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब शाहरुख खान के बेटे को डिटेन कर तो लिया गया है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े लोग जो होते हैं उनके खिलाफ जब कोई कार्रवाई होनी होती है तो इसी तरह की न्यूज़ सामने आने लगती है कि नहीं उनको फंसाया जा रहा है और फिर धीरे धीरे केस से पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।